वेलकम टू पीअर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैदराबादी चने की दाल और मटन के दालचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह हैदराबाद में छोटी मोटी जो घर में दावत होती है उसमें पकाया जाता है और इसके साथ में बगारा खाना और कौरमा या फिर फली का सालन सर्व किया जाता है बहुत ही मज़ेदार बनता है क्योंकि चने की दाल का अपना एक ख़ास टेस्ट होता है तो चने की दाल का दालचाप बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसके लिए मैंने तीन ग्राम चने की दाल को पहले से ही भिगा के गला लिया था अब हम इसको मैश करेंगे इसको इस तरह से मैश करना है कि इसमें थोड़ा सा दाना बाकी रहे यानी कि थोड़ा सा दरदरा रहे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि दालचे में इस तरह से पेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से हम इसको घोट देंगे दाल को और इसको अब हम साइड में रख देंगे तो दाल तैयार है तो अब हम मटन तैयार करेंगे तो मटन मैंने यहाँ पे पाँच ग्राम ले लिया है उसी कुकर में मैंने ऐड कर दिया है इसमें ऐड करेंगे दो कटी हुई अनियन एक कप ऑयल टेस्ट के हिसाब से नमक हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट वन टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ये सारे मसालों की लिस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आप सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे धनिया पाउडर ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं अब मैंने कुकर को स्टोव पर रख दिया है इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे हम गोश्त का कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पर ही भुनना है बस दो से तीन मिनट के लिए अब देखिए जैसे ही मटन का कलर चेंज हो गया इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है एक कप और अब हम इसमें दो टमाटर ऐड करेंगे टमाटरों को हमने गोश्त में मिक्स नहीं करना है बस इस तरह से ऊपर डाल दें तो ये गल जाएंगे अब स्टोव तो की फ्लेम हाई कर देंगे और पाँच मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे अगर हमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ अब देखिए दाल तो हमारी गल गई है यहाँ पर मैंने ली है इमली हैंडफुल इसका भी मैंने रस निकाल लिया है तो अब ये जो टमाटर और प्याज का भुनाई की थी मैंने वो अच्छे से भुन गया है ऑयल भी रिलीज़ हो गया है तो हमने जो दाल को गला के रखा है गला के मैश करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो मैं इसमें कद्दू नहीं ऐड कर रही हूँ आप चाहें तो गोश्त गलने के बाद में इसमें छोटे साइज़ का कद्दू डाल सकते हैं कद्दू वाले दालचे की रेसिपी मेरे चैनल पे है मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए साथ में हम इसको इसमें करीलीफ ऐड करेंगे और पाँच मिनट दाल को और गोश्त को पकाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे इमली का रस जो हमने निकाल के रखा है पाँच छः हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर दस मिनट के लिए और लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए पकाएंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हैदराबादी गर्म मसाला पाउडर कॉटा टी स्पून इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगी लास्ट में इसमें कोथमीर ऐड करेंगे और देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और दालचा बनकर तैयार है बहुत ही मज़ेदार दालचा बनता है चने की दाल का और इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट आई है इसको जैसे मैंने कहा बगारे खाने के साथ में आप सर्व करिए बगारे खाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का दालचे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको दालचा और बगारा खाने की रेसिपी अच्छी लगती है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग